चलो वन, ये रेस खाली इन्हीं दोनों में हो रहा है। अरे थोड़ा साइड तो हो जाए भाई, हटा ले। वन टू निकलेंगे कहीं। अरे हट कुत्ते हट। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैमिली कॉर्नर पे। और आज से हो चुका है शुरू लंबा वीकेंड। लंबा वीकेंड आज सैटरडे है और एकदम दिल खुश है कि अब चार दिन कोई ऑफिस नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ आराम ही आराम, आराम ही आराम। और अब दशहरा भी है और वैदी आ गया है। वैदी, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं भी तो हूँ, मेरा पहला दशहरा तो है, मैं पहली बार मेले में जाऊंगा। और वैदिश का ये फर्स्ट दशहरा है और पहली बार ये दशहरे के मेले में घूमने जाएगा। वाओ। और आज हमारा बहुत सारा प्लान है। आज हम प्लान कर रहे हैं कि हम जाएंगे पिकनिक सेलिब्रेट करने, और पिकनिक सेलिब्रेट करने खाना वाना बना के जैसे हम बचपन में जाया करते थे, मैगी वैगी लेके, उस तरह से हम जाएंगे। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए व्लॉग को और इंजॉय करिए, इंजॉय करिए, इंजॉय करिए, इंजॉय करिए। ये जब बापू सुलाते हैं बेटे को, राजा बाबू। अभी सो गया था, तुमने ब्लॉग बनाने के चक्कर में लाइट जलाई, उड़ गया। देखो नहीं करो, अभी सोया नींद। राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, आरा बाबू। दोस्तों अब हो गया हमारा लंच का टाइम, अब चल रहे हैं खाना खाने। बनी है भिंडी की सब्जी, दाल चावल। सुबह भी हमने हल्का ही ब्रेकफास्ट किया था, पोहा, पोहा और पोहा और कॉफ़ी। और अभी देखिए मैंने अपना एक्सबॉक्स रिचार्ज कर लिया है और मैं वर्ल्ड कप के रंग में रंग के खेल रहा हूँ अपना क्रिकेट। और अभी यासिर भी, अभी यासिर भी आने वाला है। सैलेड कट चुका है और अब लंच का वेट कर रहे हैं, जल्दी से लंच करेंगे। अब यासिर आ जाए, नीचे ही है, फिर लंच करते हैं। अब पिकनिक जाने का टाइम हो गया है, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया। अभी दिखाता हूँ आपको क्या क्या खाने की तैयारी हो रही है पिकनिक के लिए। जैसे बचपन में पिकनिक जाया करते थे, खाने पीने का सामान लेके पार्क में बैठ के एंजॉय किया करते थे, वैसे ही आज हम जाएंगे पिकनिक मनाने। ये देखिए भरता बनाने के लिए बैगन वो हो रहा है, पक रहा है। और ये चांदनी ने पॉपकॉर्न बना के रख लिया है और बनेंगे सत्तू के पराठे। और क्या क्या आइटम बन रहा है? और है मैगी, और दीदी अपने और एक कुछ आइटम लेकर आ रही है जिसको मेरे को भी अच्छे से नहीं पता। सत्तू के पराठे हैं, भरता है, पॉपकॉर्न है, चिप्स तो है ही है, और दूध, बाबू का दूध है, बाबू के फ्रूट्स हैं, बाबू का दूध और रोटी है, बाबू और लड्डू का। तो ये सभी। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है सिर्फ हम खाने जा रहे हैं वहाँ पे और खा खा के तो पूरा वहाँ पे सो जाएंगे। पिकनिक नहीं जाते थे हम, पिकनिक जाते थे पर सिर्फ हम वहाँ खाने नहीं जाते थे, हम और भी काम करते थे, हम खेलते थे। तो हम लोग गेम लेकर जाएंगे, ऊनो लेकर जाएंगे, वो जो वो उस गेम को क्या कहते हैं, जैसे गोले में बैठे होते हैं और उसके पीछे रुमाल रखते हैं और फिर वो ढूंढते हैं, हाँ वो वाला गेम खेलेंगे। और भी बहुत सारे गेम खेलेंगे, बचपन के सारे गेम खेलेंगे। हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते हैं। ओहो, तो आप लोग क्रिकेट खेला, हम लोग गोला ही बना कर खेलेंगे। अपना सारा दिमाग ये सब गेम खेलने में तो खर्चा नहीं करती बचपन में? नहीं, जब मैंने आपको ढूंढा उसके बाद मेरा दिमाग टाटा बाय बाय हो गया। सारा दिमाग तुमको खोजने में लगा दिया, सारी मेहनत मुझे खोजने में लगा दी इसने। और इसने अपने जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही किया है कि इसने मुझसे शादी कर ली है, बस। या ये क्या बन रहा है बॉस? बोलते हैं बेसन का डोसा। ये बेसन का चीला बन रहा है, काइंड ऑफ चीला कह लो या डोसा कह लो। और यहाँ पर बनेगा मैगी। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, फिर अभी लड्डू अपना दूध पी रही है, उसके बाद फिर लड्डू की मालिश करूंगी, लड्डू को रेडी करूंगी। और ये रहा हमारा सामान की पैकिंग, अभी हम सारा सामान रख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि कुछ मिस ना हो जाए। तो आपको मिलती हूँ फाइनल पैकिंग के साथ, और हम जब सब रेडी हो जाएंगे उसके बाद मिलते हैं। ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है, ये गाड़ी है सामने, किरण चला रही है और मैं पीछे वाली गाड़ी में हूँ। तो किरण लड्डू उस गाड़ी में है और मैं उसको इस गाड़ी में, अभी तो सब गाड़ी ठीक ठाक चल रही है।
सी, चला चला रहती है गाड़ी यार, वैसे इज नॉट अ प्रॉब्लम, बस ये कि कभी कभी ना पार्किंग करते हुए शी गेट स्केर्ड. बाकी तो पता ही है आपको, गाड़ी चलाते हुए कितने पंगे होते हैं. इट्स नथिंग न्यू, शी इज ड्राइविंग एंड शी इज ड्राइविंग गुड. तो ये हो चुकी है पिकनिक की तैयारी, जीजू भी आ गए हैं और ये देखिए इतना सारा सामान हो गया हमारे पास खाने पीने का. ये देखिए ऐसा लग रहा है वहाँ बस खाना ही खाना है. नहीं, भंडारा करेंगे वहाँ, भंडारा गरीबों के लिए खाना लेके जा रहे हैं. और दीदी पता नहीं किसके किसके लिए बना रही है, समझ नहीं आ रहा है. बस फ्रिज खोल के रख दे रही, क्या रख दीदी. और हमारी बीवी दिख नहीं रही है. ये हमारा बैग पैक होके रखा हुआ है पिकनिक के लिए. चले अब हम निकल रहे हैं बस गाड़ी से. चल रही है अभी, निकल रहे हैं ना. किसका बप्पी लहरी कपड़ा पहनी हो गया. हम निकल चुके हैं अपने पिकनिक के लिए और हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद यासिर खान. हेलो गाइस. और बाबू बहुत ध्यान से देखता हुआ. बाबू तुम आगे देखो. बाबू की दूसरी पिकनिक है वैसे, एक बार जा चुका है बाबू. जल्दी जल्दी हम चलते हैं अपने पिकनिक के लिए और फिर दिखाते हैं आपको, खूब सारी मस्ती करेंगे सब लोग. दीदी जीजू एक गाड़ी में चले गए हैं और हम लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं. पांच लोग एक गाड़ी में, छह लोग एक गाड़ी में. पिछली बार रेस हुई थी तो जीती थी ये गाड़ी. और देखते हैं, पहुंचते हैं, मस्ती करते हैं खूब सारी. बाकी आज के मैच में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को धूल चटा दी है फिर से, और इंग्लैंड की इतनी बुरी हालत है, लग ही नहीं रहा वो डिफेंडिंग चैंपियन है किसी भी तरीके से वर्ल्ड कप की. और एकदम ही बेकार परफॉर्मेंस है इंग्लैंड का आज. आज क्या, पिछले दो मैचों से तो बेकार ही परफॉर्मेंस है. इंडिया गेट, इधर की साइड जो आप देख रहे हो ये है राष्ट्रपति भवन और उसके जस्ट अपोजिट सिचुएटेड है इंडिया गेट. और हम खड़े हैं बीचों बीच कर्तव्य पथ पे. इस रास्ते का नाम है कर्तव्य पथ. तो अभी हम पहुंच गए हैं और खाना वाना खाएंगे, गेम खेलेंगे और पिकनिक को एंजॉय करेंगे. तो बने रहिए, देखते रहिए व्लॉग को. स्कॉच की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है. क्या बोलती हो ज्योति? स्कॉच जो है वो. Give me your hand. आप आपके पास और क्या क्या है? समोसे, मेरे पास कुछ नहीं है. समोसे है, गाय का दूध भी है. बाबू को भी चाहिए. क्या चाहिए बाबू तुमको? टोपी, मोदा, सब पहन के मैं लदी हूँ. नाक का बिल दिख रहा है बस. मैगी खानी है. प्रैक्टिस कर रहा है और आलोक की प्रैक्टिस फेल. आलोक फिर से प्रैक्टिस. आलोक वंस मोर. और आलोक ये कर गया. आलोक फोस. अरे हम करके दिखाते तुमको. रुको, अमन जीत गया. अमन जीत गया. तो अमन अभी फाइनल के लिए क्वालिफाई है और ये नहीं, अभी पहला मैच हुआ है. नहीं तो एक ही मैच होगा. आप आउट हो गए. आप रेडी हो गए आउट. अब चलो यासिर और जीबी. यासिर एकदम
भाई ये चीटिंग है, मेरा ऊपर गया था मतलब। नहीं, किसका आया वही चीटिंग। चलो आप दोनों का जो हारेगा उसके साथ, आप दोनों का। ये भाई मैं लास्ट में जाऊं। ये अपना पंख फैला लिया है भाई, मैंने अपना हाथ भी निकाल के लगा दिया है। आलो काउंट करो तुम। चलो उधर दीदी का अलग ही चल रहा है बाबू। मेरा ये आ रहा है, सबसे पहले भी पूछ लीजिएगा। और अमन में अब फाइनल हार गया, हार गया। चलो 1 2 3 अमन मैं जीत गया। अरे मैं जीत गया यार। अमन क्लियर विनर है और इसी खुशी में कैंडी आ गई। जीतने वाला का यही है भाई, और क्या। गंडू है ये मेरा है। जो जीत गया वो हमें समोसे खिलाएगा। मैं करता हूँ विनर को। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, ये रेस खाली इन्हीं दोनों में हो रहा है। अरे थोड़ा साइड तो हो जाए भाई, हटा ले। 1 2 निकलेंगे कैसे। अरे हट कुत्ते हट। कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से यासिर ही जीतेगा, वही आया ही था पहले। देखो आ रहा है। अरे बच्चे भी है यार साइड। अच्छा ये फाइनल, तो देखते हैं कौन जीता है। ये लो साइड जाना। कौन आ रही है? कौन है ये बंदा? कौन नहीं है यार। अमन अमन आधे रास्ते से आया है। आलोक विनर है। आधे रास्ते से आया है। नहीं नहीं मैं इससे आगे से मोड़ के लाया हूं दीदी। नहीं नहीं गलती, वो बीच में आ गया। किस गई है? तो फिर से एक बार। अरे एक रेस दोनों का भी अभी तो आधा ही हुआ है यार। आंधा विनर अभी आधा का। अरे 50 में वहां तक होता है पूरा। ये नहीं होगा, ये पहले ही मोड़ लिया था। अमन फिर से जीत गया। आलोक बार बार हारने के बाद आइसक्रीम वाले तक बात हुई थी, मैं जीत गया था, बीच में कपल आ गया। जो हमने देखा वो ये देखा, और जो ब्लॉग जो सब्सक्राइबर देखे वो ये देखे कि अमन पहले आया। पर गलत देखे सब्सक्राइबर, कपल बीच में खड़े थे। मैंने ब्रेक मार का यासिर का गाड़ी का बैटरी खत्म हो गया बीच में। तो इन दोनों ने प्रेडिक्ट किया था कि यासिर जीतेगा। एक चीज नहीं, जो भी एक्सक्यूज नहीं है, अमन जीता है। अमन दोनों गेम में विनर है। अमन और आप अमन खिलाएगा मोमोज। अब मोमोज खिलाएगा अमन। ये यासिर की गाड़ी आ गई, यासिर नहीं आया। तो आप बताइएगा ब्लॉग में कि यासिर कहाँ होगा अभी। वो हारने के बाद मुंह छुपा लिया, वो नहीं आएगा। चांदी आराम है, धीरे धीरे। तो गाइज अब खेलने कूदने के बाद सबको लग गई है भूख। तो ये जो हम घर से सत्तू के पराठे बनवा के लाए थे विथ क्या बना था, और भरता भरता वो खाने जा रहे हैं। एक बार और बोल दी, पराठे पराठे जो बना के लाए थे। और बाबू आज रो रहा है पता नहीं क्यों। इसका के फैन फॉलोइंग फ्रेंड्स हाय। बस तो गाइस अब पिकनिक खत्म हो गई है, सब लोग फोटो शूट करा रहे हैं और हम लोग दे फिर इसके बाद निकलेंगे, वाइंड अप कर रहे हैं। मेरी बीवी आ रही है। तो आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।